भगवान जिता दे जिता दे। छोड़ दिया स्टीफ यार की किदा लो बेंचो घुस गया मैच। हेलो एवरीवन, क्या हाल है? मैं प्रतीक, आप ऑडियंस। गुस्सा क्यों हो रहा है भाई? अरे यार क्यों ना हो, ये सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं है, जज्बात है, एक जंग है। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान महात्मा गांधी के टाइम से ही भिड़ रहे हैं, पहले आजादी के लिए, फिर खुद की कंट्रीज के लिए। उसके बाद पाकिस्तान को हाईवे चाहिए था बांग्लादेश से पाकिस्तान तक, पर उस प्लान को नथुराम गोडसे ने नेस्ता नाबूद कर दिया। उसके बाद पहली कश्मीर वॉर, फिर दूसरी कश्मीर वॉर, फिर इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, फिर सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट, फिर कारगिल वॉर, और इन सब के बीच में कश्मीर का मुद्दा था जो कि साइड बाय साइड चल रहा है, पर हम वो फाइट लाइव नहीं देख सकते, तो हमें ये जंग देखने को मिलती है क्रिकेट फील्ड पर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मुझे इस राइवलरी का एहसास इस मैच से हुआ। और फिर इस मैच ने मुझे इस राइवलरी का हिस्सा बना दिया। In the air, श्रीशांत takes it. India win. ये इंडिया जीत गई। और मैं क्रिकेट का डाई हार्ड फैन बन गया। इसी बीच इंडिया और पाकिस्तान के मैच चलते रहे, इंडिया जीतता रहा और पाकिस्तान हारती रही। फिर इसके बाद हुआ 2011 का वर्ल्ड कप और सेमीज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मैच इतना बड़ा था कि मैं तो मैच देख ही रहा था और स्टैंड में दोनों कंट्रीज के लीडर भी देख रहे थे, और वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया ने पाकिस्तान को फिर फेल दिया। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट्स में हराती रही। मौका मौका बिके अमर तक या कलाम। मौका मौका इतना फेमस हुआ कि शोएब अख्तर गॉट एंग्री। पहले आप मुझे बताएं, आप शुरू में किया क्या, हंसे क्यों आप? नहीं, वो मौका मौका चल रहा था, मैं कह रहा था कि ना ही चला है मौका मौका। कोशिश फिलिंग पूछने बैठे या मजाक उड़ाने बैठे? सॉरी। जतिन ब्रो ने तो उस दिन नसी दुखा दी थी, वो भी पैर से कुचल कर। बस शोएब अख्तर की तो जाटे ब्राउन ही हो गई थी उस दिन। ओनली हिज वाइफ विल नो। और उसी दरमियान 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने पाकिस्तान को फिर तहस नहस कर दिया। That is that. India win. और इस वर्ल्ड कप से हमें मिला ये मीम। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और फिर अक्टूबर 2021 T20 वर्ल्ड कप का मैच। इस मैच से पहले पाकिस्तान इंडिया से एक भी मैच नहीं जीता था किसी भी वर्ल्ड कप में, T20 हो या 50-50। बट उस दिन बाप बेटे की जंग में हमें 10 इंच का मिला, मतलब 10 विकेट की हार मिली। मैं बताता हूँ हम क्यों हारे। विठोत के बच्चों को भी मौका दे देना चाहिए जीतने का, तभी तो दे विल नो कि कैसा लगता है जीत कर। एंड वी लेट देम विन, समझ रहे हो? वी विल लेट देम विन। उस दिन टीवी हमारे यहाँ भी टूटे थे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और T20 वर्ल्ड कप की हार के बाद मौका मौका सिर्फ 50-50 वर्ल्ड कप के लिए ही रह गया। और फिर विराट भाई और BCCI की भसड़ हो गई। कोहली सर ने कहा मैं T20 कप्तानी नहीं करना चाहता, बस ODI और टेस्ट ही करूंगा। फिर BCCI की ईगो हिट हो गई, उन्होंने कही भैया तू इसकी भी मत कर, इसकी भी मत कर, इसकी भी मत कर, तीनों की मत कर भैया, तू बस खेल ले। और इन सब कांडों के बीच में भाई साहब का बल्ला भी सुन पड़ा हुआ। और उसके बाद ले भाई ऋषभ पंत और रोहित रोतेला का कांड। अगली कह रही है मैं क्रिकेट देखती भी नहीं, और RP नाम का लड़का कॉरिडोर में पड़ा हुआ था, 8-8 घंटे तक वेट कर रहा था मेरा। RP की फिर ईगो हर्ट हो गई, RP ने पोस्ट डाल दिया बहन मुझे माफ कर दो, ये वो, लोग फेम के लिए कुछ भी कर लेते। भाई भसड़ी हो गई थी। पंत और उर्वशी के कांड के बाद आया एशिया कप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बहुत सालों बाद ऐसा मैच देखने को मिला। वाह, मैच उस मुकाम पर पहुंच गया कि हार जीत की जिम्मेदारी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर दोनों देशों के लोगों पर आ गई थी। जो चाहा था, जिस भी पोजीशन में टीवी देख रहा था, जिस भी पोजीशन में खड़ा था, वही पोज हो गया, क्योंकि जो हिला उसकी टीम के जीतने के चांसेस हिले। मैंने टोट के दो ही जगह देखे हैं, नींबू के सड़कों पर और इंडिया के मैच में। ये वाला शॉट,
उस दिन इंडियन टीम ने पूरा देश खुश कर दिया। हार्दिक पांड्या से प्यार हो गया, कोहली ने अपना रंग दिखाया, जड्डू ने तलवार चलाई और इंडिया ने पाकिस्तान की चीखें निकलवाई। मैच जीतने के कुछ ही टाइम बाद पता चला कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिर से, वो भी एक हफ्ते के भीतर, वो टू मैच में हैंडल। और मैच के पहले ओवर से जो सुताई रोहित और राहुल ने शुरू की थी, ऐसा लग रहा था आज तो बस बैट से एक ही आवाज निकल रही है, पाकिस्तान की विकेट गिरे, रन बने, कोहली ने फिर अपना रंग जमाया, पूरे देश को शॉट गैजम आया और फिर पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने बैटिंग स्टार्ट की। रोते गिरते पड़ते संभलते हारते हारते इंडिया की इतनी सी गलती के बाद पाकिस्तान वॉन। रिया मैं बता रहा हूं, मैच देखते हुए भैनचोद कोई सा ना कोई सा पक्का हिला होगा और हमारे टोटके फेल कर दिए। यहां भैनचोद पैर सुन पड़ जाते हैं, पेशाब पैंट में निकलने को हो जाता है, पर हिलते नहीं है क्योंकि टोटका मैटर्स। आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक इमोशन है, जज्बात है, हमारे दिल की धड़कन को ऊपर नीचे करने वाला गेम है, बहुत से लोगों का तो नशा है, रिलीजन है क्रिकेट हमारा जो पूरे देश को एक करता है। 28 अगस्त को हमारा पूरा देश खुश हुआ, पर 4 सितंबर को हमारा पूरा देश रोया क्योंकि इस खेल से हमारे दिल जुड़े हैं। दिक्कत मतलब मेरे देशवासियों, जीवन का दस्तूर है, कहीं धूप है तो कहीं छाया, कभी खुशी है तो कभी गम। हमारा देश फिर खुश होगा 11 सितंबर को एशिया कप के फाइनल में, जब इंडिया पाकिस्तान को फिर से नेस्ता नाबूद कर देगा। कोहली मैन ऑफ द सीरीज होगा, रोहित हर्षदीप के हाथों में देगा, मतलब रोहित हर्षदीप के हाथों में ट्रॉफी देगा एंड इंडिया विल विन। अरे भाई पिल गए यार। हाँ हाँ पिलेंगे। अरे बैंचोद हम पिल गए। अरे हम क्यों पिलेंगे? अरे श्रीलंका पिल गई 6 विकेट से हमें। मैंने यहाँ हिस्ट्री पेल दी और ज्ञान दिए जा रहा हूँ, इंडिया विल विन, इंडिया विल विन, बेटा ये वे प्लान टीम कहने। पहले बेटे ने पेला और अब गांडसन पेल गए। आज मुझे एक चीज की खुशी जरूर है कि साला हमारे घर में टीवी नहीं है और मुझे टीवी तोड़ने वालों की मेंटेलिटी जरूर समझ में आ गई। क्या दिक्कत है इनकी? यह वीडियो में दावा कर रहा हूँ, इंडिया विल फक देम अप, कोहली रोहित के हाथों में देगा, रोहित अजीब के हाथों में देगा, ये वो फाइनल जीतेगी। अरे कैसे जीतेगी मैच से बिना पहुंचे? अरे यार होपलेस कर दिया इन्होंने। कोहली को अनुष्का खा गई, ऋषभ को उर्वशी, हे भगवान मुझे भी कोई खा लो तो ये सब देखना नहीं पड़ेगा मुझे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। एक तो हमारा देश रिसेशन की तरफ जा रहा है, नौकरी नहीं है, ऊपर से ये सब क्या कह रहे हो? रिसेशन में तो श्रीलंका पहले से है और उन्होंने हमें पेल दिया। हाँ सही कह रहे हो, अब हमें जीतने के लिए रिसेशन में तो जाना है। मस्त प्लान है। दिक्कत मतलब माय डियर फ्रेंड, खेल में हार जीत दोनों चलती है क्योंकि हार के बिना हाउ वी विल नो कि जीतने के लिए क्या चाहिए। एंड फॉर द रिकॉर्ड, ऐसे मैचेस के बाद आवर प्लेयर गेट अब्यूज्ड बहुत ही ज्यादा, तो मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि दिस इज नॉट राइट। इंडिया पाकिस्तान एक जगह एंड रिस्पेक्टिंग आवर प्लेयर्स एक जगह। माना कि अभी इंडियन क्रिकेट टीम का फैन होना थोड़ा मुश्किल है, बट इंडियन क्रिकेट टीम ही तो है जो प्यार है, जो आगे चल के इस प्यार पर मोहर लगाएगी पेल कर सारी टीमों को। डोंट स्प्रेड हेट, लव आवर प्लेयर्स। थोड़ा बहुत ट्रोल चलता है पर इतना नहीं कि बॉयकॉट बॉलीवुड की जगह क्रिकेटर्स पर आ जाओ। तो आखिरी में मैं बस यही कहना चाहूंगा, इंडियन टीम को सपोर्ट करो क्योंकि वो आगे चल के आग लगाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ एक और बात, जिन्हें मेरे दिल लुटिया ओहो, जिन्हें मैं रुमाल छुटिया ओहो, अच्छे नोट पेंड करनी थी वीडियो, तो स्माइल प्लीज, बाय।